देश विदेश में कोरोना का प्रकोप जारी है, पर उसी रफ्तार से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जोरों शोरों से चल रहा है। देश में दो वैक्सीन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, एक है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन तो दूसरी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका निर्माण भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है। इसी बीच भारत को कोरोना से लड़ाई के लिए एक और वैक्सीन मिल गई है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिली है, पर वैक्सीन के अलावा भी कई नए विकल्प सामने आ रहे हैं जो प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी रीजेनरॉन ने ऐसा एंटीबॉडी कॉकटेल तैयार किया है जो कोरोना से बचाता भी है और उसका इलाज भी करता है। दवा कंपनी ने इस थेरेपी को फिलहाल अपनी तरफ से RegenCoV-2 नाम दिया है। साइंस जर्नल में छपी रिसर्च के अनुसार बंदरों को जब इन्फेक्शन से 3 दिन पहले यह एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया था तो उनके बॉडी में कोविड का इन्फेक्शन पनपा ही नहीं। 12 अप्रैल को हुए क्लिनिकल ट्रायल के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि यह एंटीबॉडी ड्रग उन लोगों को दिया जा सकता है जो कोरोना संक्रमित लोगों के साथ रहते हैं। ये ड्रग उन लोगों के लिए भी प्रभावशाली साबित हुई है जो केवल वैक्सीनेशन द्वारा सुरक्षित नहीं है और जिन्हें वैक्सीनेशन से गंभीर साइड इफेक्ट्स होने की आशंका है। डॉक्टरों के लिए ये ड्रग हाई रिस्क कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाने के लिए एक नया तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है या जिन पर वैक्सीन उतना प्रभावशाली नहीं है। रीजेनरॉन के रिसर्चर्स का दावा है कि ये कॉकटेल कोविड-19 के रोकथाम और इलाज दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। रीजेनरॉन ने एक प्रेस रिलीज में US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि वो जल्द ही इस ड्रग की इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति दे। एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी को लेकर अमेरिकी सरकार ने ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के तहत रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स के साथ $250 मिलियन यानी ₹3,367 करोड़ रुपए की डील की है। अमेरिका में 150 जगहों पर 2000 लोग इस थेरेपी से क्लिनिकल ट्रायल में भाग ले चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के डॉक्टर मेरोन कोहेने ने कहा है, ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है जो इस दवा को ले सकते हैं। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के फिजिशियन कह रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये ड्रग उन लोगों को लगाया जा सकता है या नहीं जिसके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। रीजेनरॉन ने अपने क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों को ये दवा दी ताकि देखा जा सके कि नई थेरेपी कितनी कारगर है। RegenCoV-2 में दो एंटीबॉडीज हैं जो शरीर के सेल्स में मौजूद कोरोना वायरस से छिपकर उस पर आत्मघाती हमला करती है। इससे कोरोना वायरस की वो शक्ति खत्म हो जाती है जिससे वो स्वस्थ सेल्स को संक्रमित कर सके। दोनों एंटीबॉडी कोरोना वायरस से भारी हिस्से में लगे कांटेदार प्रोटीन को पिघलाकर अंदर के RNA को खत्म कर देती है। दवा कंपनी के वैज्ञानिकों ने इस एंटीबॉडी थेरेपी के लिए दो एंटीबॉडीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहे और कोविड से ठीक हुए इंसानों के शरीर से निकाला है। इस ड्रग को नवंबर में इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति दे दी गई थी, लेकिन बहुत समय लेने के कारण और ड्रग के असर को मॉनिटर ना कर पाने के कारण इस ड्रग के यूज को कम कर दिया गया। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना संक्रमित होने पर यही कॉकटेल दिया गया था। देश में पिछले 24 घंटों में 1.60 लाख कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।